तो अभी मैं मौजूद हूँ आजमगढ़, जस्ट कोर्ट से ही निकला था। कोर्ट से थोड़ा सा काम निपटाने के बाद मुझे मिल गए राजीव सर, जिनको हमने यहीं पे इन्वाइट किया था। और ये देखिए श्रेया, आपने पता ही होगा आपको, और लगातार जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, आप समझ सकते हैं। और ज़्यादा देर न करते हुए हम बात करते हैं राजीव सर। हाँ सर, आज इतने दिन हो गए आपको रोड पर उतरते हुए, कुछ फ़र्क नहीं दिखाना है, ईमानदारी से बताइए जी। उसको लगता है कि रोज मेरा पहला दिन है जी, एकदम रोज लगता है कि मेरा पहला दिन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? कुछ बदलाव आया लोगों में? मैं लोगों को बदलने के लिए सब नहीं करता जी। मैं जानता हूँ कि अकेले हम वो करेंगे जो 140 करोड़ लोग सोच नहीं सकते, और वो मैं अपने मकसद में 99% कामयाब हो गया। अभी हम खड़े हैं जिला सत्र न्यायालय, आज तो वैसे अगर देखा जाए तो अगर रिपोर्ट जो है अगर बदली नहीं होती, मऊ के पास ट्रांसफर नहीं होती, तो आज यहाँ पर पेशी होती उनकी, सही है ना? आज उन लोगों के आरोपियों के यहाँ पर पेशी होती, लेकिन जिस तरह से चालाकी से ऊपर से ये हो गई है कार्रवाई जो बदली गई है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सब कुछ पावर है सिर्फ पैसे। ऐसा कुछ नहीं है, इस देश का शिक्षक ही मूर्ख है जी जी। तो उसकी औलादें जो विद्यार्थी है वो जज बनेगा, डीएम बनेगा, कुछ भी बन जाए, 140 करोड़ गधों का देश है। और न्याय कैसे करना है ये राजू तलवार से बेहतर कोई नहीं जानता है। और इस देश की जनता को भगवान बन जाए बनेगी तभी न्याय हो पाएगा, वरना नहीं न्याय हो पाएगा। इस देश की जनता को भगवान बनना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते लोग यार, ये न्याय नहीं नौटंकीबाजी होती है, क्या नौटंकीबाजी? राजीव तलवार को माध्यम से 100 रुपये महीना नहीं दे सकते हो, न्याय करेंगे लंट करेंगे माध्यम से? उसको फांसी होना चाहिए था, जो ये किया है उसको फांसी होना चाहिए। फांसी इस देश की जनता का होना, इस देश की जनता ही गांडू है माध्यम। तो चलिए एक छोटी सी मुलाकात राजीव सर थी, इनको घर जाना था, लेट हो रहा था, मैंने कहा थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के बाद ही रुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि श्रेया को इंसाफ मिल सके। आजमगढ़ की जनता है जरूर आप लोगों की जोड़ी राम सीता की जोड़ी है। मैं नहीं, मैं अक्सर देखता हूँ लोग साथ रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं, हमेशा चेहरा आप लोगों का एकदम खुश रहता है। बहुत बहुत क्या करें, जिले के लिए आवाज़ को उठानी पड़ती है। हम जिले के पश्चिमी छोर से हैं, वहाँ पर कोई प्रतिनिधि न होने के कारण अपनी आवाज़ को हम जिले तक जरूर पहुँचाते हैं। इस देश की आवाज़ बनेगी, इस देश के 140 करोड़ जनता, हम लड़ाई मत, इस देश के मरे हुए लोगों को हम जिंदा करेंगे। धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।